अकेले रह रहे हैं दो बेटे अब्रॉड चले गए हैं माँ अंतिम सांसें ले रही है पिताजी बार बार फोन पर फोन पर कर रहे हैं दोनों बच्चों को कि माँ की इच्छा है कि एक बार वो मिल ले तुमसे दोनों से दोनों बच्चे नहीं आते व्यस्त हैं भैया ने यह कहा कि माँ के समय तुम चले जाओ पिताजी के समय मैं चला जाऊँ पिताजी आर्मी से रिटायर्ड थे रिश्तों के महत्व को समझते थे पुरानी पीढ़ी के थे और एक रिवॉल्वर उनके पास लाइसेंस्ड था उन्होंने एक बड़ा मार्मिक पत्र लिखा अगर मैं दूर से आपको दिखाऊं कि एक थ्री पीस सूट पहने हुए टाई पहने हुए लैपटॉप कंधे पे टंगा ऐसा व्यक्ति खड़ा है और दूसरा व्यक्ति मैं दिखाऊं कि धोती कुर्ता पहने हुए एक उत्तरीय डाला हुआ है तिलक लगा हुआ है और आपसे पूछूं कि इसमें से एडवांस कौन है और उससे भी आगे चल करके अब पश्चिम जगत ने एक नया नारा दे दिया डिंक फैमिली डबल इनकम नो किड्स विवाह एक समझौते के तहत करना है कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये तो एक्टिविस्ट, है या एक्टिविस्ट है या या ये हैं तीन साल के अंदर उसकी प्रतिभा देख कर के लोग चमत्कृत हो गए उसका नाम रखा उन्होंने तथागत तुलसी तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है योर विकास के हमारे शो में और जिसमें हम लोग लगातार रिलेशनशिप से जुड़े हुए मामले सोसाइटी से जुड़े हुए मामलों पर बात करते हैं जी जहाँ पर हम लोग इमोशनल uh, इंटेलिजेंस से जुड़े हुए मामलों पर बात करते हैं पहली बार मैंने आपको राजगढ़ में सुना था अच्छा। जहाँ पर आप uh, पारिवारिक uh, एक uh, समझ और जो पारिवारिक व्यवस्था है उसको काफ़ी कुछ अच्छा बता रहे थे मैंने एक सवाल भी वहाँ खड़े होकर आपसे किया था आपको याद अच्छा। नहीं रहा होगा पर तब से ही मैं आपको फेसबुक पर फॉलो कर रहा हूँ जी और बाद में हार्दिक से बात हुई फिर मुझे लगा कि चलो ये एक एक तरह से एक जरिया मिल गया आप तक पहुंचने का <laughs> और आपसे मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आज यहाँ पर आए और आपने समय दिया मेरे लिए भी बहुत प्रसन्नता का विषय है विकास जी Uh, मुझे लगता है कि uh, इन्हें विकास चौधरी जब हम बोलते हैं तो सीधे एक युग में मुझे ध्यान में आता है कि नाम ही काफ़ी है oh, और uh, आज ये नाम ही काफ़ी इसलिए भी है कि आज विकास एंड विकास शो है <laughs> सबसे <मज़ें की> बैठ <laughs> तो कर आज बातें करेंगे Uh, मेरे समान uh, नाम वाले किसी व्यक्ति और समान धर्मी भी इसलिए कहूँगा कि आप भी मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं मैं भी मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ और हम दोनों भारत के परिवारों की चिंताओं को लेकर चिंतित हैं तो मुझे लगता है कि आज बातचीत में बहुत आनंद आएगा हम सब डेफिनेटली हाँ, सर और बाहर जो बात कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैंने जो सोचा है आपसे बात करने का जी जी वो तो एक तरफ लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसी बातचीत को कंटिन्यू कर लें सर अभी पिछले एक दो दशकों में हमने देखा है जी कि जो मॉडर्नाइज हो रही है चीज़ें टेक्नोलॉजी आ रही है अमेरिका में क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है जो वो चल रहा है अगले ही पल हमको पता लग रहा है पहले शायद उन सब चीज़ों को यहाँ तक आने में समय भी लग रहा था अब इंस्टेंट वो सब चीज़ें कॉपी हो रही है जी। इसका प्रभाव हमारी सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और इसकी वजह से किसी और क्षेत्र में नुकसान हो ना हो रिलेशनशिप के मामलों में बहुत गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही है तो इस पर थोड़ा बताइए कि हमारी क्या स्थिति है सामाजिक स्थिति निश्चित रूप से ये जो चिंता आपने व्यक्त की है कि हम सब लोग यंत्रों के अधीन होते जा रहे हैं भारतीय समाज के लिए शायद ये थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है कि हम लोग यंत्रों के अधीन हो गए पाश्चात्य जगत चूंकि अभ्यस्त हो चुका था इन सब चीज़ों का इसका जो मूल है दरअसल मुझे लगता है कि इसके मूल को हमको समझना चाहिए उसी में इस समस्या का समाधान भी है मूल बहुत कठिन ढंग से मैं नहीं बताता लेकिन कुल मिलाकर के इतना सा हम लोगों को समझना चाहिए कि संपूर्ण मानव जाति एक शब्द के पीछे दौड़ रही है और वो शब्द है आनंद आनंद की प्राप्ति ये मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है अब इस आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य को सब कुछ करना चाहिए ये मनुष्य को विवेक दिया ईश्वर ने अब इस आनंद की प्राप्ति कहाँ से होगी तो हमने देखा कि चाहे वह राजसत्ताओं का क्षेत्र हो राजनीतिक क्षेत्र हो तो वहां पे हमने देखा तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं ये प्रयोग क्यों हो रहे हैं तो आनंद की प्राप्ति के लिए राजशाही में मजा नहीं आया लोगों को तो कहा कि लोकतंत्र होना चाहिए लोकतंत्र में मजा नहीं आया किसी व्यक्ति को लगा कि तानाशाही में मजा है ये प्रयोग चल रहे थे दरअसल और वर्षानुवर्ष से चल रहे हैं समाप्त नहीं होते लेकिन उस सब में आनंद की प्राप्ति नहीं हुई लोकतंत्र में भी लोगों को मजा नहीं आता है कभी कभी हम देखते हैं ना कि लोग कहते हैं कि अपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के थे, मोदी जी को अब हिटलर हो जाना चाहिए क्यों हो जाना चाहिए हिटलर इसलिए कि लोकतंत्र में मजा नहीं आ रहा है तो ये बड़ा सामान है। एक बड़ा सामान्य दूसरे क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो हम, हमको ध्यान में आता है कि मनुष्य का निजी जीवन जो है हमको लग रहा था पैदल चलने में बड़ा कष्ट होता है तो साइकिल ले आए साइकिल चलाने में पेडल मारना पड़ते हैं तो स्कूटर ले आए कि केवल एक्सीटर दबाएंगे आनंद मिल रहा है हमको शरीर को कष्ट नहीं देना है फिर कार आ गई कार में ए आ गया फिर जीपीएस आ गया और हम लगातार अब ड्राइवर लेस कार की तरफ बढ़ गए उससे आगे बढ़े तो एरोप्लेन ये सब लेकिन इस सब में भी आनंद की प्राप्ति है क्या इस प्रश्न पर मनुष्य अभी भी विचार नहीं कर रहा है इसके बाद हम आगे बढ़ें तो खान पान की दिशा में सोचें तो एक क्षण के स्वाद के लिए हमने धीरे 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 अपने इन दिनों तो मोटा अनाज और मिलेटियर्स और ये सब घोषित हो जाने के कारण से यूएनओ के द्वारा खान पान की तरफ हम लोग थोड़ा सोचने लगे और स्वास्थ्य को लेकर के भी हमारी अवेयरनेस बढ़ी लेकिन अंततः आनंद की तात्कालिक प्राप्ति के लिए आप अजीनो तक तो आ गए आपके घर से सबसे पहले सेंधा नमक काला नमक गायब हुआ सफेद नमक आया आयोडाइज आया फिर उससे और आगे बढ़े तो अजीनो मोटो तक आए अब ये और कहा जाएगा हमको पता नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। तो ये जो तात्कालिक सुख थे हर क्षेत्र के मैंने बहुत सरल सरल तीन उदाहरण दिए समाज जीवन के नहीं। नहीं। लेकिन अंततः इसमें सुख की प्राप्ति कहीं नहीं हो रही थी और इन सुख के लिए ही हम यंत्र लाते रहे लेकिन अंततः यह हुआ कि जैसे मोबाइल हमारे लिए समस्या बना फ्रिज हमारे लिए समस्या बना ए हमारे लिए समस्या बना टीवी का बक्सा हमारे लिए समस्या बना ऐसे ये सारी मशीनें हमारी समस्याएं ही बनते रहे उसका मूल कारण ये रहा कि कुछ तो अतिरेक हुआ और कुछ ऐसा हुआ कि मनुष्य ने इसके साथ जो श्रम करना चाहिए था जो मस्तिष्क को अब हम कई बार मजाक में कहते हैं कि मोबाइल की मेमोरी बढ़ती जा रही है मनुष्य की मेमोरी कम होती जा रही है मशीनें ओवर स्मार्ट हो रही है और मनुष्य स्मार्ट भी नहीं बचा इस सब के बीच में हमको ये सोचना पड़ेगा कि इस आनंद की प्राप्ति के लिए मशीनें थी और ये मशीनें हमको तनावग्रस्त कर रही है मोबाइल इसका ताजा उदाहरण है तो इस तनाव से बाहर आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से हमको प्रकृति स्थ होना ये भारत सिखाता है आप देखिए कि आ, हमारे यहां पर कभी भी मनुष्य की उदात्त अवस्था जो मानी जाती थी उसको एक्सट्रीम पे कब माना जाता था तो उसकी ज्ञान परंपरा के कारण से और वो ज्ञान परंपरा की साधना कहाँ होगी तो जंगल जाना पड़ेगा चाहे आपको आध्यात्मिक तप करना हो चाहे ज्ञान की प्राप्ति करना हो गुरुकुल है? जंगल में। क्या करना है तो लकड़ी काटना है ये करना है। तो कहने का मतलब परिश्रम और प्रकृति के निकट जाना ये दो ही चीजें आनंद की प्राप्ति देती है और बहुत सरल ढंग से इसको समझाएं तो कई बार हम सब लोग ऊपर ऊपर के आवरण में ज्यादा उलझने लगे एक आ, मैं चूंकि शिक्षा क्षेत्र से भी संबंध रखता हूँ बाल पत्रकारिता से भी संबंध रखता हूँ तो कई बार बाल साहित्यकारों से बातचीत करना होती है या कभी कभी शिक्षकों से चर्चा करता हूँ तो मैं एक बात कहता हूँ कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है एनईपी उसमें कहा गया कि शिक्षा आनंदमूलक होना चाहिए तो शिक्षकों के एक समूह के साथ में इसी तरह से वार्ता कर रहा था तो मैंने उन लोगों को कहा कि मैं आपको मोबाइल पर एक गीत सुना रहा हूँ इसका आनंद लीजिए और मैंने गीत चालू किया यशुदास का एक बहुत अच्छा सा गीत था सब लोगों ने झूम झूम करके सुना और मैंने प्रश्न करना शुरू किया अच्छा एक चीज बताओ ये जो इसका मुखड़ा है इसकी दूसरी लाइन में एक शब्द है इसका विलोम शब्द शब्द कौन सा होगा अच्छा एक चीज बताओ ये ये जो तीसरी लाइन में शब्द है इसका पर्यायवाची कौन सा होगा ये जो तीसरा बंद है इस कविता का इस गीत का इसमें ये पंक्ति अगर मैं हटा दूं उसकी जगह रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो कौन सी पंक्ति आएगी परेशान हो गए कैसे शिक्षक हो भाई आप लोग इतना नहीं जानते हिंदी के शिक्षक हो मैं फिर से एक गीत सुना रहा हूँ लेकिन उसमें कोई भी प्रश्न करूंगा आपको उसका उत्तर आना चाहिए सब अलर्ट हो गए सीधी रीड करके बैठे और अंततः मैंने लता जी का एक मधुर सा दूसरा गीत चालू किया सब लोग एक एक शब्द पर ध्यान दे रहे थे एक एक आवृत्ति पर ध्यान दे रहे थे आरो अवरो सब समझ लिया मैंने उनसे केवल एक प्रश्न किया वो गीत खत्म होने के बाद आनंद आया क्या प्रश्न ये कि आप जब मुक्त रूप से आनंद प्राप्त करते हैं तब बाहरी आवरण में नहीं होते नहीं। आप ये पर्यायवाची, विलोम रिक्त स्थान प्रश्नों के उत्तर इसमें नहीं उलझते तो जो बात शिक्षण पर लागू होती है वो शिक्षण की बात क्या हमारे समाज जीवन पर लागू नहीं होती है क्या हम घरों में बड़े बड़े थिएटर हमने बना लिए पचास लाख का एक बड़ी स्क्रीन वाला टीवी सेट अब वो कर्व वाला होता जा रहा है और धूल खा रहे हैं मकड़ी के जाले लग रहे हैं हमने आखिरकार ये पैसा किसके लिए खर्च किया था इससे तो अच्छा ये होता कि एक छोटा सा पुराना वाला डब्बा पड़ा होता तो कम से कम उस पर साथ बैठ करके पूरा परिवार कोई सीरियल तो देख रहा होता यानी वो युग तो चला ही गया कि दादाजी और पोता साथ में शक्तिमान देख रहे हैं अब बच्चों की अपनी दुनिया है बड़ों की अपनी दुनिया है तो कहने का तात्पर्य आ, कि इस सब से हमको बाहर आना पड़ेगा प्रकृति के निकट जाना पड़ेगा और ये क्रम मनुष्य बना भी रहा है मैं आ, अभी लगातार देख रहा हूँ कि लोग फार्म हाउस खरीद रहे हैं हाँ। खेती की तरफ इन्वेस्टमेंट की रुचि बढ़ रही है ये सब कारण कुल मिला के वही है व्यक्ति शहर की भाग दौड़ से बीच शहर से बाहर टाउनशिप में जा रहा है तो इसी कारण जा रहा है टाउनशिप छोड़ करके फार्म हाउस पर जा रहा है तो इसी कारण जा रहा है बड़े बड़े महानगरों के लोगों के बड़े बड़े घर अब गाँव में बन रहे हैं वो इसी कारण बन रहे हैं तो हम अंततः प्रकृति के निकट जैसे जैसे जाते जाएंगे हमारी स्वाभाविकता लौटेगी और आनंद भी लौटेगा सर ग्लोबलाइजेशन और ये सब चीजें भी ऐसी हो रही कि है कि कहीं ना कहीं ये भी आ जाता है कि हम टेक्नोलॉजी में अगर इतना इन्वेस्टेड नहीं है अगर हम इतनी चीजों को नहीं यूज करते तो हम अपने आप को पिछड़ा समझना शुरू कर देंगे कि हम एडवांस नहीं है सच बात तो ये एडवांस नहीं होने का जो एक आइडिया जो बेचा जाता है कि व्यक्ति अगर प्रकृति के बीच रहना भी चाह रहा है तो उसे ये कहकर थोड़ा सा नीचा दिखाया जाएगा कि यार तुम क्या हो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ये वो सब चीज़ें नहीं समझते क्योंकि लोगों को बाहर तो जाना ही है परिवार से अलग तो उनको रहना ही है नौकरियाँ करनी है तो वो जो एक डिसकनेक्ट आ रहा है परिवारों के बीच और ये सारी ये सारी चीज़ें कैसे मतलब अगर हम इसमें ठीक करना भी चाहें तो ये कैसे होगा जैसे मैं पिछले 21 सालों से अपने घर से अलग हूँ पढ़ने लिखने के बहाने बाहर जाना ही पड़ा और वहीं जाकर सेटल हो गए तो एक पारिवारिक स्तर पे देखें तो अब वो वाला मौका मेरे पास नहीं है कि जैसे पहले परिवार मिल के रहा करता था और एक अच्छा ट्यूनिंग और एक अच्छा समन्वय रहता था फैमिलीज़ में आजकल वो रिलेशनशिप्स और वो कनेक्शन नहीं है और इसकी वजह से भी एक आइसोलेशन बढ़ रहा है इंसान जहाँ भी रह रहा है कहीं ना कहीं अकेला है और उसकी वजह से उसके डिप्रेशन और नेगेटिविटी और दुनिया भर की चीज़ें हो रही है अपने पेरेंट्स के बारे में उसे ये ख्याल आ रहा है कि यार ये क्या समझेंगे इनमें मैं क्या बताऊँ ये सब चीजें कैसे बैलेंस होगी क्या ऐसे ही चलता रहेगा क्या ये और बुरी हालात में जाएगा या इसको ठीक भी किया जा सकता है आ, अपने प्रश्न के दो हिस्से हैं वास्तव में पहला जो प्रश्न का पूर्वार्ध था पहले उस पर बात करता हूँ पहली चीज तो ये कि हम लोग एडवांस शब्द जो अंग्रेजी भाषा का है आ। आ, उस एडवांस की परिभाषा भारत में किस प्रकार से करते हैं हमने भी जैसा मैंने पिछली बार आनंद के संदर्भ में कहा था ठीक वैसा इस विषय में भी है हमने बाहरी कलेवर को आधुनिक होना प्रगतिशील होना विद्वान होना ऐसा मान लिया मैं कई बार जब बच्चों से और अपेक्षाकृत थोड़े अधिक उम्र के जो युवा है उनसे जब बात करता हूं तो कहता हूं कि अगर मैं दूर से आपको दिखाऊं कि एक थ्री पीस सूट पहने हुए टाई पहने हुए लैपटॉप कंधे पे टंगा एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है और दूसरा व्यक्ति मैं दिखाऊं कि धोती कुर्ता पहने हुए एक उत्तरीय डाला हुआ है तिलक लगा हुआ है और आपसे पूछूं कि इसमें से एडवांस कौन है स्वाभाविक रूप से निन्यानवे अनपढ़ और बिल्कुल ऐसा व्यक्ति जिसको अक्षर ज्ञान भी नहीं है थेला गाड़ी चलाता है उसको भी आप पहना दें तो आप उसको एडवांस मानने लगेंगे और जिस व्यक्ति ने वेद पुराण स्मृति दर्शन सबका अध्ययन किया है अपने जीवन के पचास साल सत्तर साल अगर उसने अध्ययन करके बिता दिए हैं भारतीय ज्ञान परंपरा का वाहक है लेकिन उसके कपड़े देख करके आप अंदाजा करते हैं कि एडवांस नहीं है क्यों क्योंकि लैपटॉप नहीं चलाता होगा मोबाइल उसके हाथ में नहीं है तो क्या वस्त्र और ये सारी चीजें एडवांस होना तय करती है क्या तो ये ज्ञान परंपरा का देश है यहां पर ज्ञान के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं पूजा जाता है और इसलिए मैं संदर्भ बदल नहीं रहा है क्योंकि हम लोग परिवार की बात कर रहे हैं तो हम लोग इन दिनों देखते हैं कि नई पीढ़ी के बच्चों को हमने मनी कॉन्शियस और करियर कॉन्शियस बना दिया और उनको लगता है कि बस नौकरी 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 पैसा 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 ये सब इसके पीछे भागना इस भागदौड़ में दरअसल ज्ञान से वो दूर होते जा रहे हैं बाल्यकाल से दूर हो जाते हैं आप देखिए कि आजकल के सामान्य बच्चे को ये पता है कि गिनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे दूर तक थूकने का रिकॉर्ड किसका है सबसे लंबा आदमी कहाँ का है कौन से देश का है सबसे छोटा आदमी लेकिन यही बच्चा पहले तो खेलने नहीं जाता मैदान में अगर बाई द वे वो खेलने के लिए गया और गिर गया उसको ये पता नहीं है कि कोहनी में जो चोट लगी है उस पर हल्दी लगाने से खून बहना बंद हो जाता है ये दादी को पता है तीसरी पास दादी को या शायद अनपढ़ दादी को अब प्रश्न ये कि हमने ज्ञान और जीके इन दोनों को पर्याय मान लिया ज्ञान जीवन में कहा काम आता है हमने वन माइनस एक स्क्वेयर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वेयर थीटा याद किया इसको जीवन में कहाँ अप्लाई करेंगे हम ये हमको पता नहीं है। दादी को ये नहीं आता है लेकिन दादी को जो आता है वो आपके जीवन में रोज काम पड़ने वाला है इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस ज्ञान के अधिष्ठान को हमको बरकरार रखना पड़ेगा ज्ञान को महत्व देने की जो परंपरा भारत में रही है वो देते रहना चाहिए तो पहला विषय तो हो गया कि एडवांस कौन है ना दूसरा विषय आपने कहा था कि परिवार से दूर होना पड़ता है कनेक्शन कट रहा है तो आ, उसके संदर्भ में मैं केवल एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण अक्सर देता हूं आ, एक पंचलाइन भी आप इसको कह सकते हैं सूत्र वाक्य है कि आ, परिवार का विस्तार परिवार का विभाजन नहीं है पहले इस बात को हम समझे जैसे आपका उदाहरण दिया आपको पढ़ाई के लिए आना पड़ा मुझे भी आना पड़ा गांव छोड़कर के अगर जा रहे हैं भाइयों के व्यवसाय में दो हिस्से हो रहे हैं एक फैक्ट्री की चार फैक्ट्रिया हो रही है तो सब इंदौर में लगेगी जरूरी नहीं है एक मुंबई में भी हो सकती है एक दिल्ली में हो सकती है चारों भाइयों ने चार स्थानों पर जाकर के अपने काम को संभालना प्रारंभ किया है ये परिवार का विस्तार है विभाजन नहीं है विभाजन दरअसल वो होता है जब आप एक ही घर में रह करके बीच में दीवार खींच करके और आपके पोर्च में भी आपने कलर्ड फूल पत्ती वाली शीट्स लगा दी है अपारदर्शी ताकि दोनों भाई एक दूसरे का मुंह भी ना देख सकें देरानी जेठानी एक दूसरे का मुंह ना देख सके ये विभाजन है तो मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण बच्चे कभी कभी हम लोगों को दिशा दे देते हैं तो एक हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता है वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर मुकेश मोड़ जी वो हृदय रोग विशेषज्ञ है और सर्जन है हार्ट के लंदन में बहुत वर्षों तक रहे तो उनकी बिटिया ने एक बार क्रिएटिव राइटिंग की स्किल्स का टेस्ट लेने के लिए उसके स्कूल में निबंध लिखवाया मेरा परिवार उसने वो लिखा वो प्रथम आई और घर आकर के उसने पिताजी को बताया मोड़ साहब को कि पिताजी आज मैंने ये निबंध लिखा तो वो इतना अच्छा निबंध था बाद में उन्होंने मुझे भी दिखाया मैं चूंकि बाल साहित्य में रुचि रखता हूँ उसमें उस बिटिया ने इतना अच्छा लिखा था उसने कहा था कि मेरा घर बहुत बड़ा है मेरे घर का एक कमरा इंदौर में है दूसरा कमरा मुंबई में और तीसरा कमरा लंदन में है ओ, क्या बात ये घर है दरअसल उस बच्चे को पता है कि मेरे चाचा जहाँ रहते हैं मेरे ताऊ जी जहां रहते, हैं, मेरे चाचा के बच्चे जहां रहते हैं वो सब मेरा घर घर है है ये घर का विस्तार है। और मुझे लगता है कि बच्चों से से ज्यादा सरल ढंग कोई हमको नहीं समझा सकता इस बात को तो इस बात को हम अनुभव करें कि परिवार के साथ कटना नहीं अब इसमें परंपराएं बड़ी काम आती आप देखिए कि आप और मैं जिस ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि के हम सब लोग हैं हमको ध्यान में आता है कि कितनी भी अनिवार्यता हो कितनी भी व्यस्तता हो भेरू जी पूजने के लिए गांव जाना है हाँ माता जी के पूजन पर नवमी का पूजन तो घर ही होगा चाहे जो हो जाए ये अनिवार्यता क्यों थी और आज क्यों समाप्त होती जा रही है इस पर हमको विचार करना पड़ेगा कि एक युग ऐसा था हमारे दादाजी जब तक थे हमारे पिताजी जब तक थे तो हमको भेरू जी माता जी पर चाहे जो करना पड़े यानी पिताजी वहां बैठे बैठे कहते थे नौकरी छूट रही क्या तो छोड़ के आ जा माता जी पूज के फिर नहीं ढूंढ लेना और बच्चा सीधे घर के लिए रिजर्वेशन करवाता था या बस से दौड़ता हुआ जाएगा बाइक लेकर के जाएगा लेकिन पहुंचना अब ये स्थिति विपरीत कहां हुई जिस कारण से हम लोगों को बैठना पड़ रहा है या बातचीत कर रहे हैं परिवार कहां पहुंचा इस विषय को लेकर के विषय विपर्य भी नहीं है मूल पटरी पर ही हम लोग चल रहे हैं दोनों लखनऊ का एक समाचार हम लोगों ने अभी पढ़ा आर्मी से रिटायर्ड एक पिता है और सेवा निवृत्त हो चुके हैं माँ और पिताजी इंदिरा नगर में अकेले रह रहे हैं दो बेटे अब्रॉड चले गए हैं खूब अच्छा कैरियर है दो शब्द मैंने प्रयोग किए मनी खूब कमा रहे हैं और कैरियर बहुत अच्छा है दोनों बच्चों का माँ सांसें ले रही है पिताजी बार बार फोन पर फोन पर कर रहे हैं दोनों बच्चों को कि माँ की ये इच्छा है कि एक बार वो मिल ले तुमसे दोनों से दोनों बच्चे नहीं आते व्यस्त हैं पैसा कमाना है जॉब करना है कंपनी में अपना स्टेटस तैयार करना है मां अंततः चली गई खबर की गई कि माँ की इच्छा थी कि तुम दोनों का हाथ लगे इसलिए मैं उसको शीत ग्रह में अभी देह को रख रहा हूं मृत देह को तुम दोनों आ जाओ दो तीन दिन बाद एक बेटा आया और छोटा बेटा आया और उसने कहा कि पिताजी अब माँ का अंतिम संस्कार करते हैं तो पिताजी ने कहा बड़ा क्यों नहीं आया उसके मुंह से निकला कि हम दोनों भाइयों की बात हो गई थी और कभी कभी सच प्रकट हो जाता है तो दोनों की बातचीत हुई तो भैया ने कहा कि माँ के समय तुम चले जाओ पिताजी के समय मैं चला जाऊंगा पिताजी आर्मी से रिटायर्ड थे रिश्तों के महत्व को समझते थे पुरानी पीढ़ी के थे और एक रिवॉल्वर उनके पास लाइसेंस्ड था उन्होंने एक बड़ा मार्मिक पत्र लिखा वो इंटरनेट पर उपलब्ध है उन्होंने लिखा कि हम दोनों बूढ़े बुढ़िया की अंतिम इच्छा तो यही थी कि दोनों बच्चों के हाथ हमारे देह को लगे अब तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि दोनों बेटे एक साथ आकर के माँ का अंतिम संस्कार कर सको और दोनों एक साथ आकर के पिता का भी नहीं कर पाओगे तो उसका मध्य मार्ग मैं निकालता हूं और माता पिता दोनों मर रहे हैं दोनों का अंतिम संस्कार बेटे को बुला लेना माँ चार दिन से शीत ग्रह में और चार दिन रख लेंगे मेर, मुझे भी चार दिन शीत ग्रह में रखला रख लेना बड़े भैया को भी बुला लो और दोनों मिलकर दोनों माता पिता का अंतिम संस्कार कर देना ये पत्र लिख करके उन्होंने आत्महत्या कर ली अब प्रश्न ये कि ये चीजें मन को बड़ा भावुक भी बनाती है कई बार लगता है कि भारत की परिवार परंपरा किस दिशा में जा रही है हम लोग क्या कर रहे हैं आखिरकार और ये पैसा ये करियर अंततः हमको कहाँ लेकर जाएगा? तो मैंने दोनों बातों ढूंढ को को तो तो लेना कर लेता हूं। दोनों भाई मिलकर के अंतिम संस्कार कर दो ये जो यात्रा भारतीय समाज की है भारतीय परिवार परंपरा की मुझे लगता है कि इस यात्रा पर अगर हम हम क्या आप में दोनों विचार करें या समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक बार शांति से बैठ करके सोचे मुझे लगता है कि परिवार की लगभग सत्तर प्रतिशत समस्याओं का समाधान इसमें से निकल आएगा आप देखिए अंततः हमें महत्व किसको देना है आनंद की प्राप्ति किसमें से है मशीनीकृत हम किन कारणों से हो रहे हैं रिश्तों की ऊष्मा कैसे लौटेगी ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर इस व्यवस्था में से मिल जाएंगे परिवार आपने से. जो पैसा और करियर वाली जो बात बोली इससे मुझे याद आया जो हम बाहर बात कर रहे थे मैं चाहता हूं कि उसको हम यहां भी डिस्कस करें जी एक बहुत ही आ, नामी मेट्रीमोनियल साइट है जो सबके लिए है अब hmm. वहां पर डिवोर्सी के लिए जो लोग हैं उनके लिए अलग कैटेगरी लिए है दिव्यांगों के लिए अलग कैटेगरी एक कैटेगरी आई आई टी आई हम्म उस कैटेगरी में आई आई टी आई वाले आई आई टी आई वालों को ढूंढ सकते हैं और उनसे प्यार कर सकते हैं या शादी कर सकते हैं और रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं तो फोकस तो इसी पर है मतलब ये तो गलत डायरेक्शन में हम जा रहे हैं आपने इसी को लेकर एक बात भी बताई थी कि नहीं तो हो है। शादी देख ली मैं चाहता हूँ उस बारे में थोड़ा सा आप बताइए हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो मैं यही बता रहा था कि इन दिनों एक समय में हम लोग सुनते थे कि जाति और गोत्र में सगोत्रीय विवाह नहीं होते थे तो लेकिन जाति में विवाह होते थे तो जातिया ढूंढा करते थे लेकिन आधुनिक युग के समाज में हमने देखा कि ये जातियां धीरे 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 बदल गई है तो अब ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर डॉक्टर से शादी करना पसंद कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से शादी कर रहा है और यही स्थिति कमोवेश आईटी प्रोफेशनल्स की भी होती जा रही है क्योंकि उनकी अपनी समस्याएं हैं मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं तो आ, उनको ऐसा लगता है कि रात्रि 12 बजे अमेरिका के क्लाइंट के साथ बैठे हैं दूसरा जापान में बैठा हुआ है और उनके सबके समय का समायोजन करने के लिए पूरी रात उनको साथ में बैठना एक सॉफ्टवेयर तैयार करना वो मजबूरी हो सकती है काम की लेकिन उसके कारण से उनको ये अब लगने लगा है कि यदि शादी करना है पति पत्नी के रूप में रहना है तो स्वाभाविक रूप से उनको लगता है कि हम सेम प्रोफेशन वाले लोग रहेंगे तो एक दूसरे की मजबूरियों को हम समझ पाएंगे लेकिन ध्यान में यह आ रहा है कि इसमें से भी विकृतियां पैदा हो रही है मैंने मजाक में कहा था कि दो डॉक्टर शादी करते मेरे एक अभिन्न मित्र हैं उन्होंने बताया कि मैं जब कहता हूं कि मैं आईसीयू में हूं तो मेरी एमबीबीएस पत्नी कहती है कि तुम क्या वो मरीज का ऑक्सीजन मास्क पकड़ करके बैठे हो क्या <laughs> या तुमको बटन चालू बंद करना है बैठ करके उसका तो कहने का तात्पर्य बोले ये तो कंपाउंडर भी कर लेगा दो मिनट बाहर आओ बात करो तो संतोष तो यहां भी नहीं है समझ का कम होना ये मूलतः दोषी है इस सब के लिए तो इसमें ये जो कुछ चल रहा है अभी आईटी प्रोफेशनल्स और ये और आपस में जो कर रहे हैं मुझे लगता है कि इसमें भी समाधान नहीं है समाधान तो कुल मिलाकर के समन्वय में है समन्वय तो डॉक्टर और सीए के बीच भी हो सकता है आईटी प्रोफेशनल और एमबीए के बीच भी हो सकता है अगर हम दोनों एक दूसरे की परिस्थितियों को समझते हैं पति पत्नी के संदर्भ में बात करें अपन तो दोनों अगर एक दूसरे की परिस्थिति समझते हैं तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यवसाय में वो रहें कहीं भी समस्या नहीं आएगी कभी नहीं आ सकती क्योंकि हम केवल इतना समझें कि व्यक्ति जो कह रहा है एक तो उस पर विश्वास कर लिया हमने और उसके हमने अगर फोन किया है और हमने कहा कि बात करना है उन्होंने कहा मैं थोड़ी देर में लगाता हूं आपको केवल इतना ही तो विश्वास रखना है कि सामने वाले व्यक्ति ने कहा है तो वो जब भी फ्री होगा सबसे पहला कॉल मुझे करेगा ये विश्वास जिस दिन डेवलप हो गया दोनों रिश्तों के बीच में फिर फोन के दूसरी तरफ डॉक्टर है कि साहित्यकार है कि कलाकार है कि फिल्म का आर्टिस्ट है उससे क्या फर्क पड़ता है वो फ्री होगा कॉल करेगा तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं कुल मिलाकर के कि हमको समन्वय की दिशा में बढ़ना चाहिए समन्वय इन दिनों कम हुआ है उसी से सारी समस्याएं बढ़ती जा रही है रिश्तों में आ, सर ये भी मुझे बताइए कि रिलेशनशिप में जितनी भी उथल पुथल चल रही है जो पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा हो गई है तो क्या ये अर्बन एरियाज में ज़्यादा है और ग्रामीण एरियाज में कम है या कहीं ना कहीं इस ये जो जिन भी प्रभावों की वजह से ये काम बिगड़ रहा है सब जगह एक जैसी स्थिति है या लाइफ स्टाइल या हमारी जो जीवन शैली है वो इसको प्रभावित करती है किसी तरह से आ, ये आ, वैसे इस तरह के सर्वेक्षण बहुत सारे हुए हैं आपने भी पढ़े होंगे चूंकि हम लोगों की रुचि एक ही प्रकार के विषयों में है इसलिए ध्यान में आता होगा

तो भरे पूरे परिवार में अपने आप समस्याएं कम हो जाती है आप देखिए कि वहां पर संसाधन भी कम है इसलिए स्वाभाविक रूप से घर में मैं मैं एक 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 बहुत अच्छा हमारा जो कुटुंब प्रबोधन वाले विषय होते हैं ना तो उसमें एक प्रसंग सुनाता हूं मैं। इसका लाभ कैसा होता है तो मैं मूलतः जिस ग्राम से आता हूं उस ग्राम के मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे तो स्वर्ण का व्यवसाय था स्वर्णकार समाज के थे और सबसे आनंद की बात यह थी कि मैं उस परिवार में स्पेशली तीर्थ भाव से जाता था इसलिए क्योंकि एक छत के नीचे चौरासी लोग रहते थे एटी फोर इतना बड़ा परिवार और चौथी पीढ़ी पोते पोतियों की शादी देखने के लिए परदादी बैठी हुई थी और दादी माँ जो है वो बाहर एक बेंच पर बैठी होती थी कोई गादी भी दरी भी नहीं बिछी होती लकड़ी की बेंच पर बैठी रहती थी पूरे दिन अत्यंत वृद्ध पिचानवे सितानवे दृष्टि कमजोर सुनाई नहीं देता है एक दिन ऐसा हुआ कि मध्य रात्रि के लगभग सबसे अंत में दादी माँ सोती थी डेढ़ दो बजे उन्होंने अचानक सबसे बड़े बेटे का दरवाजा खटखटाया आप हम सब समझते हैं कि इस तरह के बड़े बड़े परिवारों में यह ध्रष्टता भी मानी जाती है और इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक बार शयन कक्ष में गए तो बच्चों को जगाना नहीं दादी की आवाज आई तो बड़े वाले भाई उठे क्या हुआ भाई क्या, भाई, क्या बात है तो कि अनिल कहाँ है अनिल यानी एक मझले भैया थे उनका तीसरे नंबर का बेटा अब चौरासी लोगों का परिवार <laughs> कुल मिला के संक्षेप में हुआ ये कि उन्होंने कहा मुझे नहीं पता तो लाड़ी से पूछो बहू उठी उनको भी नहीं पता तो दूसरे बेटे यशवंत से पूछो उनको नहीं पता तो पत्नी को उठा उनसे एक एक करके पांच छह भाई उनकी पत्नियां उनके बच्चे दादी तो नहीं मानने वाली थी, थी। पूछो अनिल का अनिल का है देखते हैं बच्चों के कमरे में गए देखा तो वहां भी बारह चौदह पंद्रह बच्चे हॉल में मस्त सो रहे हैं सब बढ़िया कूलर चालू करके लेकिन कहीं नहीं और अंततः ये हुआ कि तिरासी लोग हॉल में इकट्ठे हो गए अनिल नहीं था अब आप कल्पना करिए कि ढूंढने लगे सब लोग और एक भाई जो है वो सबसे छोटे वाले गए तो उनकी कई सारी दुकानें थी होटल भी थी और तो वो एक स्वर्ण की दुकान एक गली में थी उनकी एक दुकान तो उस पर पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि बाहर से ताले नहीं लगे शटर बजाया उन्होंने तो शटर अनिल ने खोला कहा तू यहां सो रहा है तो बोले वो ताऊजी ने कहा था कि दिवाली के आसपास चोरियां ज्यादा होती है तो तू ऐसा करना कि आज से कल से कभी भी दुकान पे सोना शुरू कर देना अब प्रश्न ये कि वो सारा किस्सा समाप्त तो अनिल आया दादी ने भी डाटा सबने डाटा बताना तो चाहिए था किसी को पता होना चाहिए आज से तुमने वहां सोना शुरू किया सब हो गया दूसरे दिन जब यह प्रसंग मेरे मित्र ने मुझे सुनाया तो मुझे उसमें से केवल एक चीज अंडरलाइन बार बार कर रही थी घर इतना बड़ा है चौरासी लोगों का परिवार है सबसे अशक्त दादी को यह पता है कि अनिल नहीं है आज ये कितनी बड़ी बात है और मुझे लगता है कि इसी में संयुक्त परिवार परंपरा एक दूसरे की चिंता एक दूसरे के प्रति अवेयरनेस और कुल मिला करके हम सब लोग जब ये सारी बातें करते हैं ना तो इसका मैं बार बार केंद्र में परिवार को इसी ले लाता हूं आ, कि सचमुच इसका कोई विकल्प नहीं है परिवार दो लोगों का हो केवल पति पत्नी हो क्योंकि इन दिनों दुर्भाग्य से परिवार की बात करता हूं तो मैं करता चला जाता हूं ये मेरा एक तो वो परिवार <laughs> जहां चौरासी लोगों में दादी को आधी रात में पता है कि एक बच्चा नहीं लौटा है और दूसरा आज प्रगति यात्रा ऐसी हुई कि पहले दादा दादी उन परिवारों से बाहर हुए फिर कुछ सरकार का योगदान ऐसा कि आ, बच्चे चार ही अच्छे का एक नारा मेरी पीढ़ी के लोगों ने भी सुना था परिवार नियोजन का स्वास्थ्य विभाग का फिर एक ट्रेंगल त्रिभुज उसका सिंबल बनाया गया बच्चे तीन ही अच्छे फिर कहा कि दो ही बच्चे एक लड़का और एक लड़की बस दो अच्छे एक ऐसे ही एक पंचलाइन उन्होंने बताई फिर कहने लगे शेर का बच्चा एक ही अच्छा <laughs> और ये होते होते अब स्थितियां ये हो गई कि आ, लिव इन रिलेशनशिप और ये बाकी सारी चीजें तो हाँ। हुई हुई है लेकिन एक बच्चा भी क्यों जन्म देना स्त्री को ऐसा लगने लगा है कि मेरा फिगर उससे खराब होता है सौंदर्य का प्रतिमान कहीं भंग हो रहा है और उससे भी आगे चल करके अब पश्चिम जगत ने एक नया नारा दे दिया डिंक फैमिली डबल इनकम नो किड्स डिंक फैमिली आ गई है वहां पर विवाह एक समझौते के तहत करना है हमको बच्चे पैदा नहीं करना है केवल हमारी इनकम डबल हो जाना चाहिए जिसको हम कह रहे हैं ना अर्थ केंद्रित बार बार किसी को अटपटा लग सकता है करना करना बंद कर क्या बंद कर दें क्या व्यापार कुछ भी नहीं करना है नहीं। हमको केवल महत्व का स्थान तय करना है कि परिवार पहले कि पैसा पहले परिवार पहले की नौकरी हाँ, पहले और अंततः इनकी लिमिटेशन तय करना पड़ेगी ये सबसे बड़ी बात है तो जिस दिशा में भारतीय समाज जा रहा है उससे थोड़ा सा लोटे और ये बहुत कठिन काम नहीं है नहीं। मैंने इतने व्यस्त परिवारों को देखा आप टाटा का कभी भी इंटरव्यू सुनेंगे बार बार वो कहते हैं मैं परिवार को समय देता हूँ है ना अंबानी परिवार को हम देखते हैं कि केवल शादी ब्याह तक सीमित नहीं है उनके नित्य प्रति के देव दर्शन के लिए जाना है तो सब साथ जाते हैं अब बेटे की शादी हो गई है तो चारों एक साथ निकले नीता अंबानी जी भी जा रही हैं अंबानी जी जा रहे हैं कहने का तात्पर्य उनकी व्यस्तता है क्या हमसे कम है क्या हम तो कुछ नहीं है नहीं। हमारे पास समय नहीं है उनके पास समय है तो कहने का तात्पर्य समय तो सब दूर से निकाला जा सकता है और अपने यहाँ पर हम दोनों मालवा क्षेत्र के तो एक बड़ा सुंदर प्रतीक उपयोग होता है कहावतों में लोकोक्तियों में कि भरी गाड़ी में सुपड़ा को वजन सुपड़ी जो होती है बहुत हल्की होती है वो बनी हुई है ना और पूरी बैलगाड़ी भरी हुई है उसमें सुपड़ी का कितना वजन होता है परिवार के लिए जो समय देना है आपका शेष प्रोफेशन को आप पूरा समय दे लेकिन परिवार की चिंता करते हुए परिवार को एक क्वालिटी टाइम अगर हम दे सकें उसकी चिंता सबसे पहली हमारी हो तो सारी समस्याओं का समाधान होगा तो सर जैसे कि ये जो आ, जो व्यवस्था हम देख रहे हैं कि कहीं कही ना कहीं हम हमारी जिंदगी का सेंट्रल आइडिया जो हो गया है वो करियर और पैसा हो गया है उसी को हम चेज कर रहे हैं जैसे आपने जो ये तो बहुत नई बात आपने बता दी डिंक वाली तो हम क्या इनफ प्रयास हमारे समाज में भारत में हो रहे हैं कि हम लोगों को थोड़ा समझा सकें या उन्हें सही रास्ते ला सकें ऐसा ना हो कि ये इस रास्ते पर हम चलते ही जाएं चलते जाएं और अल्टीमेटली हम वही बन जाएं जो वेस्ट के लोग बन चुके हैं तो इसमें हमारी कोशिश तो लगातार है पर आपको ऐसा लगता है कि इनफ एफर्ट हो रहा है लोगों को ये डिफरेंसेस बताने में और संभालने में विकास जी प्रयास तो बहुत हो रहे हैं और संस्थागत प्रयास भी हो रहे हैं व्यक्तिगत प्रयास भी हो रहे हैं आप हम जो कर रहे हैं वो व्यक्तिगत प्रयास है लेकिन इसका व्याप बड़ा है आप चूंकि आधुनिक माध्यमों से मित्रवत हैं तो ये सारी चर्चाएं बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच रही है संस्थागत प्रयासों में मैं अगर उल्लेख करूं तो किसी को अन्यथा ना लगे लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस दिशा में बहुत विचार कर रहा है मैं किसी प्रचार की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ लेकिन मैं खुद इस समय जिन विषयों पर आपसे बात कर रहा हूँ इन विषयों को हम लोग गली मोहल्ले तक लेकर जाते हैं वहां पर एक कुटुंब प्रबोधन नाम से एक विषय है हाँ, मैं चाहता हूँ इस बारे हाँ। में थोड़ा आप बताए तो कुटुंब प्रबोधन का विषय हम लोगों का वैसा ही रहता है ये एक आयाम है दरअसल कार्य का आयाम है संघ का और एक बहुत वरिष्ठ प्रचारक थे कृष्णप्पा जी दक्षिण भारत में तो आमतौर पर ऐसा होता है संघ के प्रचारक जीवन व्रति कार्यकर्ता होते हैं विवाह नहीं करते हैं और अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिए अर्पित कर देते हैं उनका कोई नौकरी नहीं होती उनका कोई वेतन नहीं होता और पूरा जीवन भर वो समाज में घर घर कार्यकर्ताओं के घरों पर ही भोजन होता है आज सुबह आपके यहाँ तो शाम को मेरे यहाँ इस तरीके से तो वरिष्ठ प्रचारक थे और स्वाभाविक रूप से ये हुआ कि उनको कहा गया कि अब आप चूंकि वृद्ध हैं थोड़ा सा समस्या भी आती आने जाने में तो आप काम ना करते हुए आराम करें तो उन्होंने कहा मैं बिना काम किए तो रह नहीं सकता तो मेरे लायक कुछ काम खोज लूं तो चलेगा क्या तो दूसरे कार्यकर्ता उनका इसमें क्या है आप अगर कुछ करना चाहें तो बोले कि मैं मूल जो संघ का काम है उसमें कार्यकर्ता आधारित काम होता है तो कार्यकर्ता से आप सब लोग मिलते हैं मैं कार्यकर्ताओं से नहीं मिलूंगा मैं जाऊंगा आपका जो कार्यकर्ता है उसके पिताजी माताजी उसकी पत्नी और उसके बच्चे ये सब संघ के काम में लगे हुए नहीं है मैं उन सब से संपर्क करूंगा उनसे बातचीत करूंगा उनकी समस्याएं समझूंगा और अगर कुछ समाधान कर सका इतना बुढ़ा हूं और आप देखिए कि वो काम जिसको हम कहते हैं ना शून्य से सृष्टि कैसे खड़ी होती है कृष्णप्पा जी का वो काम इतना यशस्वी हुआ कि आश्चर्यजनक बात यह हुई कि पहले उस परिवार का एक कार्यकर्ता संघ के काम से जुड़ा था पत्नी से बातचीत हुई पत्नी पहले परेशान थी कि पूरा समय देश समाज के काम में लगे रहते हैं घर में कम समय दे पाते हैं धीरे धीरे पत्नी को लगा इन कामों की भी आवश्यकता है और उसने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ तो कहा बेटा इधर राष्ट्र सेविका समिति में तुम जा सकती हो तो नहीं। नहीं। वो उधर जुड़ गई बेटे ने कहा तो कहीं विद्यार्थी परिषद में काम करने लगा कहने का तात्पर्य कृष्णप्पा जी ने जो काम खड़ा किया उसकी व्याप्ति इतनी बड़ी धीरे धीरे कि आज वो संघ के विविध कार्य आयाम जो हैं उनमें एक महत्वपूर्ण कार्य आयाम बनकर के स्थापित हो गया अब कुटुंब प्रबोधन के लिए विधिवत नगर क्षेत्र में तहसील में जिले में अखिल भारतीय स्तर पर इनके कार्यकर्ता है और हम लोग पूरा समय यही काम करते हैं कि परिवारों को एकत्र करना उनके बीच में अलग अलग विषय लेना विषय इतने छोटे छोटे विकास जी आप आश्चर्य करेंगे कृष्णप्पा जी की दूरदृष्टि थी उन्होंने कहा कि मैं अः माताओं बहनों से बात करूंगा बेटियों से बात करूंगा तो उसमें वो ये भी विषय लेते थे कि आपकी आपके चौके से कौन कौन सी चीजें गायब हो गई जिनके कारण से आप सबका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है <coughs> कई बार हम लोगों को लगता है ना तो कितनी छोटी चीजें थी वो कहते थे कि देखो भाई घी का प्रयोग कम मत करो शुद्ध घी हो देसी गाय का घी हो उसका प्रयोग बंद नहीं करना चाहिए तो वो समझाते थे कि आप देखो आयुर्वेद जो है वो पेथी ही भिन्न है लेकिन हे तो चिकित्सा पद्धति तो जब वो गर्म दवाइयां देते थे तो पुराने वेद जो होते थे वो कहते थे कि इसके ऊपर आधी कटोरी घी पी लेना बोले उनको क्या बुद्धि नहीं थी क्या आधी कटोरी घी पिला देते थे वो पिघला हुआ तो क्या वो दोष था क्या शरीर में जाके कुछ गड़बड़ कर कुछ गड़बड़ नहीं करता था आज जो घुटनों की कोहनियों की समस्या आ रही है ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम आ रही है बड़ों को नहीं युवाओं को होने लगी वो कहते थे इसका मूल कारण है कि चिकनाई और स्नेह की कमी है स्नेह प्रेम वाला स्नेह नहीं है चिकनाई की कमी है एक ये बात आई फिर उन्होंने कहा कि सफेद नमक खाना जब से शुरू किया तो हमने तरह तरह के नाम तो दे दिए लेकिन सेंधा नमक काला नमक गायब हो गया हिंग का प्रयोग कम हो गया शकर की मात्रा बढ़ते बढ़ते ये स्थिति हो गई कि गुड़ आपके चौके में आना बंद हो गया अब ये इतनी सामान्य बातें थी कि लोगों को लगता था ये आरएसएस वाले ऐसी किसी बातें कर रहे आकर के गुड़ का प्रयोग करो लेकिन जैसे जैसे शुरू हुआ आपको विश्वास नहीं होगा करोड़ों परिवारों में परिवर्तन आ गया भारत की आंदोलन बन गया कुटुंब प्रबोधन और इस ढंग से ये धीरे धीरे काम चला मैं भी चूंकि उस विषय से जुड़ा हुआ था तो मैं भी संपर्क में आया धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया बातचीत शुरू की और मनोविज्ञान का चूंकि विद्यार्थी रहा प्रारंभ से चाइल्ड साइकोलॉजी का विद्यार्थी था पहले फिर बड़ों का मनोविज्ञान भी पढ़ने लगा तो ये चीजें ध्यान में आने लगी अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुटुंब प्रबोधन का जो विषय है विषय ऐसा हो गया है कि हम लोगों ने यह आग्रह प्रारंभ किया है कि अब ये संघ का विषय नहीं है ये भारतीय समाज का विषय संघ कोई काम अपने संगठन के लिए नहीं करता है संपूर्ण समाज के लिए करता है तो उन्होंने धीरे धीरे कहना प्रारंभ किया और हम लोगों ने भी ये शुरू किया कि अब कहीं भी तो माहेश्वरी समाज को लगता है कि आपकी कोई किठी पार्टी हो रही है बहनों की आपको लगता है तो मैं आधे घंटे के लिए यानी हमको भाषण देने का शौक नहीं है लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आधे घंटे के लिए बुलाना है तो जैसे आप भी जा सकते हैं आप सीधे उस वर्किंग से जुड़े हों या ना जुड़े हों लेकिन आपका परिवार पर बहुत अच्छा अध्ययन है आपके रील्स और ये सब मैं जब देखता हूँ YouTube पर आपके वीडियो देखता हूँ लाखों लोग उनको पसंद कर रहे हैं तो इसीलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि परिवार हमारा केंद्रीभूत विषय है भारतीय <laughs> समाज का तो आप हम सब मिलकर के इस काम को कर सकते हैं और नवीन माध्यमों से मैं अभी तक दूर था आज से मुझे लगता है कि श्री गणेश हुआ है और उसका पूरा श्रेय आपके इस चैनल को भी देना चाहता हूं और आपको भी देना चाहता हूं तो ऐसे प्रयास हम सब लोग मिलकर के करेंगे तो मुझे लगता है कि समाधान की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ सकेंगे सर ये कुटुंब प्रबोधन वाला जो विंग है इसको कितना टाइम हो गया होगा ये आ, एकदम ठीक तो नहीं लेकिन मुझे लगता है कि लगभग आठ दस वर्ष आठ एक वर्ष से ये चल रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है गैलप्स की एक रिपोर्ट है आ, उस रिसर्च में जो लोग ट्वेंटीज में है अपने बीस से तीस वर्ष के बीच में जो जिनकी उम्र है उनसे जब पूछा गया कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तो आ, उन्होंने करियर काम या मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज्यादा रखा वहाँ पर कि ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं लोगों को जब वो तीस से चालीस के बीच में थे तब जाकर पूछा कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तो बोलते हैं कि रिलेशनशिप्स बोलते हैं कि रिलेशनशिप्स अगर आपके सही चल रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है वो हंसी खुशी चलती रहेगी रिलेशनशिप्स अगर आपके खराब हो जाए तो आपकी बाकी सारी जितनी भी चीज़ें अर्जित आपने कर रखी है उसका मायना खत्म हो जाता है तो लोगों को रिलेशनशिप के मायने समझ में तो आते हैं पर जब तक समझ में आते हैं तब तक वो काफी कुछ गवा हैं। होते हैं या देर हो जाती है हा, हा, काफी हा। वो हो जाता है, <laughs> है। और ऐसे में हम एक गलत दिशा में तो है पर ये बड़ी मजे की बात है कि यूजुअली संघ और इन चीजों को जाना जाता है कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये तो एक्टिविस्ट है एक्टिविस्ट है या तो हिंदुज्म की बात करते हैं हिंदू मुस्लिम तक उसको जोड़ के रखते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि कुटुंब प्रबोधन जैसी चीजें मतलब दस साल पहले भी ये विजन रखना कि आने वाले समय में रिलेशनशिप में, में जो क्राइसिस आएगा तो भारत का जो समाज है उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी तो चलो ये बीज भी बो देते हैं जिससे एक सामाजिक व्यवस्था बनी रहे और वो वट पक्ष बन गया हाँ बहुत अच्छी बात है मैंने पूरी उसकी जो हिस्ट्री आपको बताई वो इसीलिए बताई कि इतने छोटे से एक व्यक्ति के द्वारा शुरू हुआ काम और वो देशव्यापी हुआ तो ये अपने आप में है तो बड़ी बात निश्चित और आ, हम सब लोग मिलकर के उसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि भारतीय परिवार का बचना दरअसल इसलिए भी मुझे लगता है आवश्यक है विकास जी नहीं। नहीं। uh, मैं एक प्रसंग कई बार सुनाता हूँ कि मार्गरेट थेचर जब भारत आई थी राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे तो उनका दो दिन का प्रवास था भारत का अब सामान्यतः कोई राष्ट्रप्रधान जब आते हैं तो लोगों को लगता है कोई राजनयिक डील्स होने वाली होगी दोनों प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच में वगैरह वगैरह उन्होंने कहा केवल एक दिन का राजनयिक कार्यक्रम रहेगा का, एक दिन का अनौपचारिक रहेगा दूसरे दिन मेरा कोई कार्यक्रम मत बनाइए तो राजीव गांधी जी ने पूछा पूरे दिन फिर क्या करेंगे आप तो उन्होंने कहा कि मुझे भारत के किसी संयुक्त परिवार में पूरा दिन बिताना है अब ये नई बात हो गई आई ए एस लॉ पूरी परेशान सचिव सेक्रेटरी सब दौड़ भाग करके जैसे तैसे तो जैसे मैंने एक उदाहरण आपको दिया था चौरियासी लोगों का परिवार ऐसा एक परिवार राजस्थान में उन लोगों को पता लगा <laughs> अब वो यूट्यूब का जमाना भी नहीं था इंटरनेट का नहीं तो बहुत जल्दी पता लगता लेकिन ढूंढ लिया <laughs> और ढूंढा और फिर उस परिवार में मार्गरेट थेचर के रहने की व्यवस्था की वो दिन भर रही चूल्हे पे कैसे रोटी बन रही है सब लोग कैसे साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं उनकी बॉन्डिंग कैसी है आपस में रिलेशनशिप अब संवादहीनता पीढ़ियों का अंतराल ये सारे मुहावरे ध्वस्त होते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखे वहां पे <laughs> और फिर उनको लगा कि ये तो बड़ा आसान है इन्हें <laughs> आप परिवार में दादाजी पोते को समय दे रहे हैं पोता दादी के तेल मालिश कर रहा है बेट के सिर में दादी माँ जू बिन रही है पोती की मतलब जो कुछ ग्रामीण पृष्ठभूमि में चल सकता था सब चल रहा है खेत पे कौन जा रहा है कौन आ रहा है ये सब पता ही नहीं लग रहा है सब काम दूध निकाल रहा है एक व्यक्ति तो सब देख करके गई और मार्ग्रेट थीचर ने फिर जाकर के अपने देश के लोगों के लिए एक विशेष जैसे हमारे यहाँ पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं वैसा राष्ट्र के नाम संदेश दिया उन्होंने और पूरे देश से आग्रह किया कि अगर आप अपने देश को बचाना चाहते हैं तो भारत से उसकी परिवार परंपरा सीख लें केवल इतना सा संदेश था उनका आप सोचिए जिन अंग्रेजों से हमने सीख ले लेकर के अपने परिवारों को बिखेर कर रख दिया वो अंग्रेज हमसे सीख करके ये राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे हैं कि आप सब अपने परिवार को बचा लो और ये सीखना कहाँ से तो भारत की परिवार परंपरा से सीखना है तो कहने का तात्पर्य ये कि इस दिशा में सोचना तो हम सबको पड़ेगा हम लोग दरअसल रावण की तरह व्यवहार कर रहे हैं अपनी नाभि में छुपे हुए अमृत कलश को नहीं पहचान रहे ये अमृत दरअसल हमारा परिवार है मैं कई बार चूंकि दर्शन शास्त्र का भी विद्यार्थी हूं तो कहता हूं कि न, वैदेशिक दर्शन जितने भी हैं हमारे मार्सवाद आया या एरिस्टोटल को पढ़ लें और बाद के भी प्लेटो वगैरह सब आप जब पढ़ते हैं समाज शास्त्र में तो ये ध्यान में आता है कि संपूर्ण पश्चिम जगत की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है इस अंतर को एक बार हम समझे इंडिविजुअलिटी सारे दर्शन आप दुनिया के प्रत्येक दर्शन को देख लें इंडिविजुअल इकाई व्यक्ति है पर्सन है वो पुरुष भी हो सकता है स्त्री भी हो सकती है बच्चे भी इसलिए वहां अधिकारों की बात होती है भारतीय दर्शन को अगर आपको समझना है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन मुझे ऐसा लगता है कि श्रेष्ठतम है उसको जब आप पढ़ते हैं तो उसकी मूल विशेषता क्या है उसकी विशेषता यह कि वहां पर सबसे छोटी इकाई परिवार है व्यक्ति ही, ही नहीं।, 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 नहीं उनका स्पष्ट मत है और ये कोई दीनदयाल जी ने कहा ऐसा नहीं दीनदयाल जी ने स्पष्ट कहा कि एकात्म मानव दर्शन जो है ये भारतीय दर्शन है भारत के वांगमय को पढ़ करके मैंने इसको तैयार किया है मैं तो एक तरह से री रीडर हूँ री रीडर हूं एक तरह से इसका कि मैं पढ़ के आप सबको सुना रहा हूं हाँ। लेकिन उसकी विशेषता ये है कि परिवार केंद्र में है व्यक्ति का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है आ, हमारे यहाँ पर अगर माँ को ये लगता है कि मुझे अधिक नमक की सब्जी पसंद नहीं है पिताजी को नमक अधिक खाना है बेटे को और मीडियम प्रकार का पसंद है और ये सब चीजें हमारे लिए संघर्ष का कारण नहीं बनती है समन्वय के कारण से हम इतनी छोटे से विषय को किस ढंग से सुलझाते हैं ये केवल मां जानती है चौके में और किसी को असंतोष नहीं होता नहीं। यदि एक व्यक्ति अपनी वाली चलाने लगे कि इस घर में पालक आज के बाद नहीं बनेगी नहीं। <laughs> लोकी अगर दोबारा बनी तो ठीक नहीं होगा तो जिसको लोकी पसंद है उसके अधिकारों का फिर क्या होगा तो ये अधिकार कर्तव्य इनके बीच के संघर्ष को समाप्त करने का एकमात्र तरीका यही है कि आपको केंद्र में परिवार को रखना पड़ेगा आपको अपनी इंडिविजुअलिटी छोड़ना ही पड़ेगी परिवार दरअसल समुद्र है उसमें आकर के नदी को अपना अस्तित्व समाप्त करना है लेकिन समुद्र समुद्र तब बनेगा जब नदियां अपने आप को तिरोहित करेंगी तो इस बात को हमको समझना चाहिए कि इसमें परिवार का क्या महत्व है वास्तव में इसमें आ, एक चीज मैं समझ पा रहा हूं कि जैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें किसी कॉर्पोरेट कंपनी को ही उठा लें तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है पिरामिड कि एक हेड है उसके नीचे कुछ लोग हैं उसके नीचे कुछ लोग हैं उसके नीचे कुछ लोग हैं इस तरह से ही व्यवस्थाएं चलती है और ये भारत में नहीं है दुनिया के हर देश में ये चलती है ये एक प्रूवन फार्मूला है जिस पर दुनिया आज भी चल रही है आगे भी चलेगी वैसे ही होता है ऐसा कहते हैं कि एक फादर फिगर होता है हर परिवार में कि इस घर का ये हेड है वो कॉन्सेप्ट भी डाइल्यूट हो गया वो जब तक था परिवार बंधा रहता था अब वो इंडिविजुअलिटी घुस गई है वो फिलोसॉफिकल आइडियाज जो आप बता रहे हैं कि जहाँ पर आखिरी जो इकाई है वो इंडिविजुअलिटी है उसकी वजह से एक परिवार के अंदर भी चार लोग हैं तो चारों को अपने अपने मन की करनी है ये भी शायद एक कारण है कि जो पारिवारिक स्थितियाँ हैं वो उतनी मजबूत नहीं रही पहले जैसी कि बाप को ये सोचना पड़ता है बेटे के लिए कि करना है तो उसको करना है तो अपन कौन होते बोलने वाले सच बात <laughs> ये सब बातें आ, आ रही हैं हाँ। दो दो चीजें इसमें मैं आपके साथ जोड़ता हूँ आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए <laughs> बहुत ही अच्छा विषय आपने वास्तव में निकाल दिया ये मेरे मन के सबसे ज्यादा निकट रहती ये चीज इसको भी हम एकात्म मानव दर्शन में जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा एकात्म मानव दर्शन का एक सिम्बॉल है उस सिंबल को एक बार आप इंटरनेट पर कोई भी सर्च कर सकता है उसको हमारे दर्शक भी देखेंगे तो मिल जाएगा एकात्म मानव दर्शन और इमेज में आप जाएंगे तो उसका सिम्बॉल मिलता है हाँ। व्हाइट बोर्ड होता है तो मैं शायद पेन से आपको बताता लेकिन मौखिक रूप से बताता हूं कि पश्चिम के दर्शनों की विशेषता क्या है एक बिंदी एक कागज पर आप लगा दीजिए मार्कर से ये व्यक्ति है अब इसके आसपास एक छोटा गोला बना दीजिए ये परिवार है उसके आसपास एक बड़ा गोला बना दीजिए ये सब अपने आप में स्वतंत्र है है ना आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे ये हो गया आपका समाज ये हो गया देश ये हो गया विश्व ये हो गई प्रकृति वहां कहा जाता है व्यष्टि से समष्टि एक शब्द प्रयोग होता है व्यक्ति से लेकर प्रकृति तक पूरे ब्रह्मांड तक ये सब अपने आप में स्वतंत्र है ये पाश्चात्य दर्शन है और इसलिए होता क्या है इन दिनों जो पर्यावरण के प्रश्न है उनके उत्तर भी इसी में है भारतीय दर्शन में तो हमको अगर पानी चाहिए तो बोरिंग लगाएंगे तो बोरिंग एक जमाने में 20 फीट होते थे 50 फीट होते थे आज 400 700 800 फीट धरती के सीने में छेद करो पानी निकालो क्योंकि प्रकृति अलग है मनुष्य अलग है मनुष्य को पानी चाहिए लेंगे पपीता जल्दी नहीं पक रहा है तो इंजेक्शन लगा करके पकाएंगे लौकी को रात भर में दो किलो का कर देंगे बीस ग्राम से ये जो कुछ हो रहा है जिसके कारण से स्वास्थ्य गड़बड़ प्रकृति के साथ मनुष्य का कोई संबंध नहीं इसके विपरीत एकात्म मानव दर्शन की मजेदार बात क्या है इसका जो सिंबल है वो है अखंड मंडलाकार व्रत एक शब्द प्रयोग होता है अब ये कैसे शुरू होता है तो कागज पर आप पेन रखिए एक बिंदी ये है आपका व्यक्ति हम पेन की नींब को उठाए बगैर धीरे से इसके आसपास एक गोला बनाते हैं ये गोला पूरा नहीं हुआ एक जगह जाकर के रुका ये हो गया परिवार क्यों क्योंकि व्यक्ति परिवार से अलग नहीं है अब हम फिर से इस गोले को आगे बढ़ाते हुए एक और बड़ा गोला बना रहे हैं अभी भी नींब भी नहीं उठी है, एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं किया है ये हो गया हमारा समाज ये हो गया हमारा देश ये हो गया हमारा सृष्टि ब्रह्मांड अखंड मंडलाकार व्यवस्था जिसको हम कहते हैं कि अखंड यानी बिना टूटे बीच में ब्रेक नहीं है ये जो व्यवस्था भारतीय समाज की है इस व्यवस्था को जब हमने समझा तो उसमें से ये समन्वय पैदा हुए जिसकी बात आगे आपने की कि इंडिविजुअलिटी थी नहीं परिवार का एक मुखिया होता था परिवार का मुखिया जब कहता था कोई बात तो वो हमारे लिए पत्थर की लकीर होती थी फिर उसमें इफेंट बट्स नहीं होते थे किंतु परंतु नहीं होते थे हम ये नहीं कहते थे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं तो इस बात को अपने दर्शकों को सरल ढंग से समझाने के लिए कहूं तो प्रकारांतर से हमारे यहाँ पर फोर डी फाइव डी हम डिफाइन करते हैं इसमें बताते हैं लोगों को मैं भी बताता हूं जनरली उसको वो ऐसा कि आप केवल भारतीय परिवारों की पांच दशक की व्यवस्थाओं पर विचार कर लो आपको ध्यान में आएगा कि क्षरण कैसे हुआ और क्यों हुआ और पांचों डी हैं रोचक ढंग से समझने के लिए होता है तो आज से पचास साल पहले हमारे परिवारों में हमने देखा मैं चूंकि पचपन साल पार हूं इसलिए मुझे ध्यान है आप कम के हैं तो आपको चार दशक याद होंगे तो कैसा होता था कि घर में दादाजी होते थे और दादाजी कहते थे कि देखो भाई ये पोती है इसकी शादी वो अमुक गांव के वहां के राजगढ़ के वो है उस परिवार में उनका वो तीसरा लड़का अच्छा है उससे करना है <laughs> दादाजी ने कह दिया उसके बाद <laughs> घर के जितने बेटे हैं जितनी बहुत हैं और पोती जिसको विवाह करना है कोई नहीं बोलता था ठीक है दादाजी क्योंकि दादाजी ने कहा है, तो इसको कह, कहा जाता था डायरेक्शन बेस्ड थ्योरी डायरेक्शन देते थे केवल वो बातचीत नहीं करते थे उस पीढ़ी को लगा चालीस साल चौथे दशक आज से चालीस साल पहले पचास साल पहले का बताए चालीस साल एक संकेत में केवल चालीस साल पहले दादाजी को लगा कि भाई ये तो ठीक नहीं है हिटलर शाही है डिक्टेटरशिप हो जाती है बच्चे भी बड़े बड़े हैं पोते पोती की शादी की बातचीत है व्यवसाय को बढ़ाने की चर्चा है तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा डिस्कशन होना चाहिए थोड़ा विचार विमर्श की जरूरत होती है तो दूसरा डी आया डिस्कशन होना शुरू हुआ लेकिन वो बड़ा सार्थक था सब बच्चों को बैठाते थे दादाजी कहते थे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको अब कपड़े की दुकान की जगह सोने चांदी की दुकान खोल लेना चाहिए इससे हमारा व्यवसाय बढ़ेगा बच्चे उसकी इन-आउट्स बताते थे उसकी लाभ हानि बताते थे पिताजी अपना अनुभव बताते थे सब मिल करके अंततः निर्णय करते थे कि ठीक है ये काम करना है ये संबंध करना है ये हो गया बेस्ड फिर तीसरे दशक में आते आते तीस साल पहले तक फिर यह हुआ कि इस डिस्कशन के बाद में धीरे धीरे उन लोगों के बीच में विवाद होना प्रारंभ हो गए और विवाद होना प्रारंभ हुए तो ऐसा लगने लगा कि जो नई पीढ़ी थी उसने ये सोचना प्रारंभ किया कि ये तो बूढ़े हो गए ये अपने समय की बात करते आज जमाना कहाँ पहुँच गया इनको क्या मालूम है चाहे बिजनेस हो परिवार संबंध हो हमको मालूम है कि आईटी प्रोफेशनल बच्चे से शादी करना है उसका आगे भविष्य इतना है वो इतना कमाएगा पिताजी क्या जाने इनको तो अभी कंप्यूटर समझाने में हमको पसीने आ जाएंगे तो डिनॉय करना शुरू कर दिया अब डिनॉय करना जैसे जैसे शुरू हुआ तो फिर डिबेट आया डिनॉय आया फिर कहा कि अब तो दादाजी से और पिताजी से पूछने की जरूरत ही नहीं है बेटे ने कहा कि पिताजी से पूछेंगे वो जबरदस्ती टांग अड़ाएंगे तो बोले उनसे बात ही नहीं करना माँ से बात ही नहीं करना तो पति पत्नी ने मिलकर तय किया हमको ये करना है हमको बाहर जाना है परिवार से अलग रहना है और धीरे धीरे ये होते होते होते, होते हम सब लोग धीरे धीरे डायवर्शन की ओर बढ़ते चले गए हमारे यहाँ विभाजन की थ्योरी आ गई और ये जो पांचवा डी जब आया इसने पिछले चार डी के इतिहास को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया अब घर में दादा दादी नहीं बचे हैं घर में नाना नानी नहीं बचे हैं गोद में कहानियां सुना करके और हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं भारतीय समाज के लोग कि जीजा माता ने शिवाजी तैयार कर दिए माँ ने कहानियां सुना सुना कर नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया लेकिन प्रश्न ये कि वो वातावरण हम देने को तैयार नहीं अपने बच्चों को भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए तो इस दिशा में हमको सोचना पड़ता है कि भाई आखिरकार हम अपने बच्चों की निर्मित जैसे चाहते हैं अभिमन्यु पुराने समय में पैदा होते थे ये भ्रांत धारणा हमने समझ ली कि तो पौराणिक आख्यान है मैं कई बार कुटुंब प्रबोधन के विषय में वो भी कहता हूँ एक मजेदार घटनाक्रम यह हुआ कि कलकत्ता के एक चार्टेड अकाउंटेंट दंपत्ति और बहुत पुराना घटनाक्रम नहीं है दो दशक पुराना केवल और दोनों सीए थे और दोनों को लगा जो बातें हम लोग कर रहे हैं ना ठीक वैसी बात और जिस विषय पर आपकी ज्यादा मास्टरी है तो आप इन दिनों संतति कैसी होना चाहिए बच्चे पैदा करने के पहले प्लानिंग होती थी हमारे यहाँ आप देखिए कि ये जो गर्भाधान संस्कार पुंसवन संस्कार सोला संस्कार के हम बात करते हैं कैसे होते थे तो इन्हें आज की पीढ़ी के लिए कितना आश्चर्यजनक होगा कि राजा महाराजा भी बाहर संस्कृत के श्लोकों का वेदों की रिचाओं का उच्चारण करते हुए ऋषि परंपरा के लोग बाहर मंत्रोच्चार कर रहे हैं और अंदर समागम करके और संतति उत्पन्न करने की परिस्थितियां बन रही है ये क्यों कैसे होता था ये आज हम लोग अपने आप को आधुनिक मानते हैं प्रसव के समय डॉक्टरों ने कहना शुरू किया कि पति को पत्नी के साथ होना चाहिए तो हमको बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है उस कॉन्सेप्ट को हम आधुनिक नहीं मानते क्या कैसे अच्छी संतति पैदा हो रही थी जब बीज वपन हो रहा है तब हम अच्छा वातावरण तैयार कर रहे हैं फिर वो गर्भ में जब बच्चा पल रहा है तो ये सब पढ़ करके उन सीए दंपत्ति को लगा कि भाई अभिमन्यु तो नए युग में भी पैदा हो सकते हैं तो क्या करना तो पैसा बहुत कमा चुके हैं दोनों का करियर अच्छा रहा तो दोनों ने कहा कि पैसा कमाने की बजाय हम लोग ये करें कि हम संतति पैदा करने के लिए पूरा मानस तैयार करें और उस बच्चे को गर्भकाल में इतना संस्कारित करें देखें तो क्या होता है जिज्ञासावश लेकिन पूरी तैयारी की प्रशिक्षण के साथ किया और एक बहुत प्यारा सा बेटा जिसकी नौ महीने उन्होंने इस ढंग से परवरिश की कि वो बच्चा पैदा होने के तीन साल के अंदर उसकी प्रतिभा देख करके लोग चमत्कृत हो गए उसका नाम रखा उन्होंने तथागत तुलसी इंटरनेट पर हमारे दर्शक कभी देखना चाहें तो आप देखिए उस प्रसंग को तथागत तुलसी ने एक रिकॉर्ड कायम किया जिस अवस्था के बच्चे आठवीं नवी पास करते मतलब वो तीन तीन कक्षाएं एक साल में पास करता था चुनौती के साथ वो अध्यापकों के आपको जो पूछना है पूछ ले मैं तीसरी कक्षा में हूं आप मेरी आठवीं की परीक्षा ले लें आपको जो पूछना है पूछ लें इतनी तीव्र स्मरण शक्ति इतना ज्ञान और माता पिता बताते थे, थे पता नहीं कैसे कहाँ कैसे नए पीढ़ी का विवेकानंद हो गया है तो बिल्कुल <laughs> और अंततः हुआ ये कि उसने बारहवीं कक्षा पास करने की उम्र में पीएचडी कंप्लीट कर ली लेकिन कोई विश्वविद्यालय कलकत्ता का उसका रजिस्ट्रेशन करने को तैयार नहीं अंडर एज है उसने डिग्रियां तो ले ली तो अंततः उसको उसके माता पिता ने और उस बच्चे ने कोर्ट में केस दायर करके विधिवत न्यायिक प्रक्रिया की सहमति लेकर के अपने पक्ष में निर्णय करा करके पीएचडी कंप्लीट की भारत का सबसे कम उम्र का डॉक्टरेट बच्चा था वो क्या बात है अब आप कल्पना करिए कि आधुनिक युग में भी हुँ. अब हम हमारे परिवार क्या इतना सोचते हैं क्या सर हमारी जो स्थिति है जो आपने जो आखिरी डी बताया डायवर्सन हम वहाँ से एक और आगे चले गए कि वहाँ से आप अपने बीवी को लेकर तो उस परिवार से निकल गए अब वहाँ पर भी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि हम मेरी समझ कहती है कि रिलेशनशिप इंटरडिपेंडेंस से चलता है सच बात है परस्पर निर्भरता से कि कुछ तो काम ऐसा होना चाहिए जिसके लिए मैं अपनी वाइफ पर ही डिपेंड हूँ उसके अलावा हो ही नहीं सकता और कुछ तो काम ऐसा होना चाहिए जिसके लिए वो मुझ पर ही डिपेंड है और इस डिपेंडेंसी की वजह से हम हमेशा जुड़े भी रहे और वो परिवार चलता रहे पर सेल्फ डिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट आ गया कि लोग रिलेशनशिप में पढ़ते नहीं उसके पहले ही इस बात को तय करते हैं कि यार मेरी आज़ादी का क्या मेरे खुद का पैसा कमाऊंगी मैं अपने हिसाब से रहूंगी लड़का सोच रहा है, मैं मेरे हिसाब से रहूंगा मैं मेरा कमाऊंगा और वो सेल्फ डिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसने डाइवर्जन उन दोनों के बीच में भी कर दिया <laughs> हाँ सच बात है अब दो लोग बचे थे परिवार में ले दे करके हाँ और उन दोनों के बीच भी विभाजन की हाँ, रेखाएं हाँ, उसका मूल कारण वही है इंडिविजुअलिटी जो फाउंडेशनल जो प्रिंसिपल है जो जो सिद्धांत है कि एक रिश्ता जिस जिस तरह से पे बनना चाहिए हमने उन उन सिद्धांतों को ही खत्म कर दिया तो तकलीफ तो खैर होनी थी सच बात है मैं आपको <laughs> इस दृष्टि से एक मजेदार बात बताता हूँ मैं कोई बड़ा स्वयं की प्रशंसा कर रहा हूँ या मेरे परिवार की प्रशंसा कर रहा हूँ ऐसा नहीं लेकिन आज के युग में दो में मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ बैठ करके कि मैं चूंकि संघ के काम में लगा रहा तो देवपुत्र पत्रिका का संपादक रहा तीस इकतीस वर्ष तो कभी आवश्यकता लगी नहीं कि अकाउंट खोलूं बैंक का अभी जब मध्य प्रदेश शासन ने मुझे साहित्य अकादमी का निदेशक बना करके बुलाया तो उन्होंने कहा आपका अकाउंट नंबर दे दीजिए ताकि वेतन ऑनलाइन जमा होगा हर महीने तो मेरा कोई अकाउंट नहीं था अभी की बात बता रहा हूँ तो मैंने उनको कहा कि मेरा अकाउंट तो नहीं है लेकिन मेरे दो अकाउंट हैं मेरी श्रीमती जी का अकाउंट है उसमें एंड करके मेरा नाम जुड़ा हुआ है दूसरे क्रम पर और एक मेरी माता जी का अकाउंट है उसमें भी मेरा नाम जुड़ा हुआ है तो उन्होंने कहा ऐसा चल तो जाएगा दो एंड करके अगर है तो दोनों अगर ऑपरेटर हैं उस अकाउंट के एकाँट तो चल जाता है ज्वाइंट अकाउंट है तो कहने का तात्पर्य है कि मुझे इस बात का कभी आभास नहीं हुआ कि मैं चूंकि अब बाहर घूमना भी प्रवास भी खूब होते हैं तो ए टीएम कार्ड लेकर के घूमता हूं तो कभी यह आभास नहीं हुआ कि ये तो पत्नी का अकाउंट है और उसमें उनका वेतन भी उसी में जमा हो रहा है मेरा भी उसी में जमा हो रहा है प्रश्न ये कि उनको जब निकालना हो तब वो भी निकाल लेती हैं जब मुझे निकालना होता है मैं भी निकाल लेता हूँ केवल इतना सामंजस्य यहीं थे तब तो कोई अब बाहर रहता हूं तो कई बार जेब में रहता है तो वो कहती हैं कि जब यहां आता हूँ शनिवार रविवार तो दोनों जाकर के निकाल लेते हैं राशि भैया जितना आपको निकालना हो निकाल लो उस समय एटीएम कार्ड उनके पास होता है और कोई हिसाब रखना देखना क्योंकि हमारे यहाँ दरअसल घर परिवार घर की शक्ति ही चलाती रही हमारे परिवार तब तक एक सूत्र में बंधे रहे जब तक माँ के हाथ में सूत्र रहे मुझे ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं हम दोनों पुरुष हैं लेकिन इस बात को हम बहुत अच्छे से स्वीकारते हैं कि माँ जो होती है घर की वो ही परिवार को सूत्र में बांध के रखती है जब से हम लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि हम तो बाहर की दुनिया में खूब अनुभव होंगे बाहरी दुनिया के अनुभव लेकिन आप देखेंगे कि बाहरी दुनिया के अनुभव तो तोड़ने ही तोड़ने के हैं आप नौकरी करते हैं तो स्टाफ के बीच में लड़ाई चल रही है राजनीति चल रही है बाहरी समाज में आप किसी संस्था में काम करते हैं तो संस्थाओं में भी मतभेद हैं तो पुरुष का ज्यादा अनुभव वही रहता है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री को ईश्वर ने एक सिक्स सेंस दिया है और इसलिए हम लोगों को इस बात का विचार करना चाहिए कि इसको पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ये मात्र सत्तात्मक परिवार पित्र सत्तात्मक परिवार ये परिभाषाएं मुझे बड़ी बेकार लगती है इन वो ही केंद्र में बिंदु है और वो अखंड मंडलाकार व्यवस्था है लेकिन माँ केंद्र में रहेगी तो परिवार की शक्ति वही है वो कभी परिवार को बिखरने नहीं देगी उसकी संवेदना उसकी आत्मीयता उसका प्रेम ये सब परिवार में घुल मिल जाएगा वो गुण सब में संचरित होंगे और मुझे लगता है कि ये करना चाहिए जिन परिवारों में भी यह अगर थोड़ा सा लेश मात्र भी कम हुआ है तो वो एक बार प्रयोग करके देखें घर की बहनों को माताओं को भाभीियों को थोड़ा सा परिवार को संचालित करने दें मैं आ, अगर समय समाप्त नहीं हो रहा हो तो एक उदाहरण कई हाँ, बार देता हूँ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अमेरिका में जब बीच में एक लंबा समय ऐसा चला कि सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो रही थी तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के विद्वानों ने मिलकर के एक कमेटी बनाई और सारे बेस्ट रिसर्च स्कॉलर्स जो हो सकते थे अमेरिका के वो सब थे और एक अलग से स्टडी सेंटर तैयार किया स्टडी सेंटर तैयार करके उन्होंने कहा कि तुम केवल ये देखो कि सारे देशों की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई भारत की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत है उस पर तुमको रिसर्च करना है और बताते हैं कि अरबों डॉलर का रुपया उनको दिया गया तुम तो बस ये बताओ कि कैसे हुआ अब उन्होंने जब रिसर्च करना शुरू किया तो सबसे पहले आमतौर पर जैसा हम लोगों को भी भ्रांति रहती है तो ऐसा लगा कि शायद भारत का जो शासन तंत्र का जो बजट है कई करोड़ों डॉलर करोड़ों रुपए का जो है तो वो शायद इसकी शक्ति का कारण का। होगा मालूम पड़ा कि वो तो कुछ भी नहीं है नहीं। फिर लगा कि क्या हो सकता है तो एक उनको सूत्र ध्यान में आया कि भारत का संपूर्ण जीडीपी का जो बचत प्रतिशत होता है वो दरअसल इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है ये सबसे मजबूत है फिर इस पर काम करना शुरू किया तो उनको लगा कि प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है भारत का तो जितने डालमिया अंबानी और टाटा और सब है तो उनको लगा कि प्राइवेट सेक्टर का बचत प्रतिशत ध्यान में आया कि वो बचत प्रतिशत तो केवल दो दशमलव के लगभग है सोचा सरकारी तंत्र का पूरा जिसको हम कहते हैं सरकारी अर्थव्यवस्था उसका बचत प्रतिशत तो मालूम पड़ा वो दो दशमलव दो है तो ये क्या बात हुई दो दशमलव दो दो दशमलव बाकी कहाँ हो रही बचत इनकी क्योंकि हमारा बचत प्रतिशत टोटल जीडीपी का उनतीस दशमलव सात था तो उनको लगा ऐसा कैसे हो सकता है कि ये दो बड़े तंत्र धराशाई हो गए बचत करने में कौन कर रहा है तो ये बचत दरअसल सामान्य मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय उच्च वर्गीय परिवारों की माताएं बहने कर रही थी और ये जब उनको ध्यान में आया तो उनको लगा कि ये हम करें लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि वहां इंडिविजुअलिटी थी हमारी इंडिविजुअलिटी नहीं है नहीं। नहीं। आप देखिए कि कितना सामान्य दृश्य अपने गांव में अगर दुर्देव से कोई रोग आया किसी व्यक्ति को और ऑपरेशन कराना और दो लाख रुपया चाहिए घर में नहीं है दो लाख रुपया घर की माँ बहन बेटियां अचानक जाती है अलमारी के कपड़े उठाती है वो जो नीचे अखबार बिछा है उसके नीचे से नोट निकालना शुरू करती है अपने पंद्रह तरह के पुराने पर्स पड़े उनमें से नोट इकट्ठे करती और कहती है कि लाख रुपया तो रखा है पचास हजार की परिवार को भी, बनाता है, को भी मजबूत बनाता है व्यक्ति को भी मजबूत बनाता है एक आत्मविश्वास हम सब लोगों में होता है उस समय इसको डेवलप करने की जरूरत है भारत में बहुत ही बढ़िया तो आपने बड़ा गजब का किस्सा सुनाया चलिए सर पर मुझे लग रहा है कि आपसे बात करके मेरा अनुभव तो ये कह रहा है कि ये बातें शायद कभी ख़त्म ना हो, <laughs> लेकिन <laughs> समझ भी <laughs> पर फिर भी मैं आ, एक आखिरी चीज़ और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आ, मेरा जो योर विकास ग्लोबल जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मिशन है वो ये है कि ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स एंड बेटर लाइफ्स खूबसूरत रिश्ते और बेहतर जिंदगी तो लोगों को एक संदेश देते हुए कि उनके रिश्ते खूबसूरत हो और ज़िंदगी और बेहतर हो आपको एक मैसेज जो उन्हें देना चाहे तो कैमरा है आप इस पर जरूर दे दें। निश्चित रूप से मैं आ, दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि देखिए विकास जी जो कुछ कर रहे हैं विकास चौधरी जी एक पूरा का पूरा अभियान है और ये जिस अभियान में लगे इस अभियान को मैं सामान्य इंटरनेट पर यूट्यूब पर या हमारे सोशल प्लेटफार्म पर चलने वाले आ, प्रचारात्मक अभियानों से अलग इसलिए भी मानता हूँ केवल इनके काम को आ, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ या प्रतिसाद दे रहा हूँ यहाँ बैठा हूँ इसलिए ऐसा नहीं बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जितने लोग काम कर रहे हैं इस समय आयुर्वेद को लेकर के हो रहा है योग को लेकर के काम हो रहा है उसी प्रकार के महत्व के कामों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण है और रिश्तों के बीच की संवेदना उनके बीच की ऊष्मा बनी रहे ये जो ठंड में कंबल ओढ़ने का अनुभव रिश्तों में हमको मिलता है है ना वो जो शरीर को गर्मी मिलती है ये गर्मी ये ऊष्मा हमको रिश्तों में भी प्राप्त होती है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन रिश्तों को बचाना इतना आवश्यक हो गया क्योंकि ये सारे किस्से अब आम होते चले गए एक भावुक किस्सा मैंने लखनऊ का सुनाया था तो मैं विकास जी के इस पूरे अभियान को जो रिलेशनशिप कोच के रूप में वो चला रहे हैं तो इस अभियान को लेकर के मैं केवल इतना कहूँगा कि ये जो क्षरण हो रहा है इस क्षरण के दुष्परिणाम दरअसल झुग्गी झोपड़ी से लेकर के बड़े बड़े महलों तक हमको दिखाई दे रहे हैं आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि इसकी आवश्यकता आपको नहीं है इसमें से प्रत्येक बिंदु की आवश्यकता आप में से प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक परिवार को है उदाहरण देकर के बताऊं तो दो दंपत्ति पिछले दिनों मुंबई की सड़कों पर निकले थे उनको बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया था बड़ा उसका बवंडर मचा चैनल्स पर कई चैनल वाले उनके पास पहुंच गए और हम लोगों ने देखा चैनल पर कि कुछ चैनल के एंकर्स उनको कह रहे थे दादाजी कोई गीत सुनाइए और वो दोनों बूढ़े बूढ़ी बेचारे गा रहे हैं चल उड़ जा रहे पंछी ये देश हुआ बेगाना रोते हुए गा रहे हैं कौन थे ये लोग ये कहीं किसी छोटी सी कॉलोनी में दस बाय चालीस का कोई मकान बनाकर रहने वाले लोग थे क्या नहीं ना ये रेमंड्स कंपनी के मालिक थे सिंघानिया दंपति थे अगर उस घर में ये सब हो गया तो क्या ये चिंता हम लोगों की नहीं होना चाहिए क्या मेरा ऐसा निवेदन है कि विकास जी कहते हैं उन बातों को केवल एक रील मान करके सुन लिया तो शायद ये हम अन्याय करेंगे एक युवा अपनी पूरी ऊर्जा को फूंक रहा है लगा रहा है समाज को ठीक करने के लिए ये केवल प्रचार के लिए आय के लिए इस सब के लिए नहीं है ये मन में एक कष्ट होता है एक दर्द होता है कि मेरा समाज ठीक हो मेरा राष्ट्र मजबूत हो तो इस सब को करने के लिए इन सब चीज़ों को हमको प्रोत्साहन देना पड़ेगा प्रश्रय देना पड़ेगा तो इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं तो जुड़ा ही हूँ विकास जी से आप सब लोग भी जुड़े रहिए और हम सब लोग मिल के एक स्वस्थ सशक्त समाज का निर्माण करेंगे देश भी बहुत मजबूत होगा हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसी काम में लगे हैं हम सब मिलकर के इस एक काम को ही कर रहे हैं सशक्त भारत और मजबूत भारत को बनाने की दिशा में तो आइए हम सब लोग जुड़े और ये पूरा का पूरा अभियान यशस्वी हो ये कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने जितना कह दिया मेरे लिए मैं सुनकर हैरान हूँ आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे और मुझे लगता है कि दोबारा और कई विषय क्योंकि बातचीत का फ्लो जब चलता है तो बहुत सारे विषय छूट भी जाते हैं हा, हा, हा। तो कई विषय हैं बच्चों को लेकर के भी कभी स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकते हैं शिक्षा की पद्धति को लेकर के भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं इन समय माता पिता बहुत तनाव में है तो समापन के बाद बात नहीं करना चाहिए लेकिन ये होमवर्क और ये और सारा सारा <laughs> अंग्रेजी मीडियम का स्कूल चाहिए इतना बड़ा स्कूल चाहिए इन सब में महत्व किन चीज़ों का है जैसे आज परिवार की बातचीत हुई कभी बैठेंगे इन विषयों पर भी हम लोग बातचीत करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद सर आप आए मुझे बहुत मजा आया बहुत अच्छा लगा <laughs>